ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मुल्क भर में मस्जिद और दरगाहों को चैलेंज करने वाले पिटीशंस को एक्सेप्ट करने से तमाम लोअर कोर्ट्स को रोका जाए। लगातार हर आए दिन मस्जिद और दरगाहों को टारगेट कर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जाहिर कर कहा, उत्तर प्रदेश के सांभाल की जामा मस्जिद पर अनरिजॉल्व क्लेम के बाद अब अजमेर के दरगाह को महादेव मंदिर बताया जा रहा है। कंप्लेंट करने वाले ने इस केस में दरगाह कमेटी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी रेस्पोंडेंट बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल स्पोक पर्सन डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, ऐसे क्लेम्स बिल्कुल गलत हैं और इससे कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए डॉक्टर इलियास ने कहा, 15 अगस्त 1947 तक की प्लेसेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस अब बदला नहीं जा सकता है। और साथ ही डॉक्टर इलियास ने बाबरी मस्जिद केस का हवाला देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए लॉ रीइन्फोर्स किया था, उसके बावजूद लोअर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह, भोशाला मस्जिद और ताले वाली मस्जिद केस के बाद अब अजमेर की दरगाह पर भी मंदिर होने का झूठा दावा किया जा रहा है। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इमीडिएट एक्शन लेने की मांग करते हुए लोअर कोर्ट्स को ऐसे डिस्प्यूट्स को एंटरटेन करने से रोकने की अपील की है। और साथ ही डॉक्टर इलियास ने कहा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सख्ती से लागू करें, वरना देश के हालात खराब हो सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यह मामला सिर्फ मस्जिद और दरगाहों की हिफाजत का नहीं है, बल्कि इस पर रोक लगाने से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा।